एनडीएमसी अपने क्षेत्र में मतदान करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए अत्यधिक प्रयासरत। नई दिल्ली, द 23rd of May 2024। आम लोकसभा चुनाव के तहत 25 मई को दिल्ली में होने वाले मतदान के मद्देनजर और अपने क्षेत्र में आम लोगों के साथ साथ अन्य द्वारा मतदान करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी पूरे जोरों पर तैयारी कर रही है। नई दिल्ली क्षेत्र में जनता और अन्य लोगों के लिए नामित सभी मतदान केंद्रों पर अच्छा दिखने और अच्छा माहौल बनाने के लिए अधिकतम भरपूर प्रयासरत है। एनडीएमसी देश का एक अद्वितीय नागरिक निकाय है जो अपने क्षेत्र के सभी वीवीआईपी को नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है। अधिकांश विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सर्वोच्च और वरिष्ठ पदधारक एनडीएमसी क्षेत्र में रहते हैं, जो द 25th of May को एनडीएमसी क्षेत्र में स्थानीय नामित मतदान केंद्रों पर आम जनता के साथ अपना वोट डालेंगे। विशेष अवसरों पर आतिथ्य के अपने प्रयासों के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार एनडीएमसी थीम आधारित बूथ या मतदान केंद्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जहां मतदाता लोकतंत्र के त्योहार के रूप में विशेष अनुभव के साथ अपना वोट डालने आएंगे। एनडीएमसी क्षेत्र में कौन वीवीआईपी भी जनता के साथ वोट डालेंगे? भारत की महामहिम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट सचिव, केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, संसद सदस्य और सभी वीवीआईपी के परिवार के सदस्य भी यहां आम जनता के साथ वोट डालेंगे। एनडीएमसी ने कहा, विशेष व्यवस्था की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट एस्टेट CPWD सर्विस स्टेशन नॉर्थ एवेन्यूज अटल आदर्श विद्यालय के कामराज लेन एनडीएमसी स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज तुगलक क्रिसेंट रिसेप्शन रूम निर्माण भवन दिल्ली कन्नड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोधी एस्टेट सर्वोदय विद्यालय किदवई नगर ईस्ट वंडरलैंड किड स्कूल न्यू मोतीबाग और नवयुग स्कूल नई दिल्ली में विनय मार्ग इत्यादि। एनडीएमसी के 10 मतदान केंद्रों पर थीम आधारित विशेष व्यवस्था, फूलों की सजावट के साथ गुलाबी बूथ बनाना, हरित वातावरण, स्वच्छ हरित थीम और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष बूथ, हरित गतिशीलता और पानी बचाए की थीम, मतदाताओं के लिए सेल्फी प्वाइंट, बूथ स्थानों पर गमले में पौधे, लोकतंत्र की शक्ति थीम, वेटिंग हॉल में ग्लूकोज के साथ मटका पानी की व्यवस्था, मॉडल मतदान केंद्रों पर हरा प्रवेश द्वार और मतदाताओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर लोकतंत्र की शक्ति की थीम के साथ गुलाबी मतदान केंद्र और यंग थीम आधारित मतदान केंद्र भी विशेष व्यवस्था में शामिल है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अन्य प्रयास, एनडीएमसी ने 92 से अधिक रेस्तरां, दुकानों के साथ समन्वय किया ताकि उन मतदाताओं को भारी छूट दी जा सके जो द 25th of May 2024 को चुनाव का पर्व के हिस्से के रूप में अपना वोट डालेंगे और अपने पसंदीदा आउटलेट से स्वादिष्ट छूट के साथ लोकतंत्र का आनंद लेंगे। व्यापक प्रचार, जागरूकता पैदा करने और नागरिकों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालने का आग्रह करने के लिए एनडीएमसी ने वोट देने और लोकतंत्र की शक्ति का उपयोग करने की अपील के लिए बैनर, होर्डिंग्स और स्क्रीन लगाए हैं। इससे पहले एनडीएमसी ने खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के सहयोग से खान मार्केट और लोधी गार्डन क्षेत्र में 6 किलोमीटर लंबी मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया था। स्कूल शिक्षक मतदान केंद्रों पर प्रदर्शन के लिए लोकतंत्र और चुनाव की थीम पर शिल्प वस्तुएं और रचनात्मक डिजाइन बना रहे हैं।